खरगोन जिले के टांडा बरूड में शासन की योजना मनरेगा गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। जहां कोरोना लॉकडाउन के चलते कई दिनों से बद से बदतर जीवन जी रहे मजदूरों को मनरेगा में कार्य करने से उन्हें अपने जीवन यापन हेतु दो वक्त की रोटी मजदूरी के माध्यम से मिल रही है, जिसमें उनके परिवार में खुशहाली छाई हुई है। वहीं कार्य करने वाले मजदूरों ने सरपंच, सचिव और शासन की तारीफ करते हुए बताया कि हमने मनरेगा के तहत जो कार्य मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट हैं और इसी मजदूरी के तहत हम अच्छे से अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव राजू खान ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से करीबन 1000 लोगों को कार्य मिल रहा है, जिससे क्षेत्र के आसपास खुदाई का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को शासन के द्वारा उन्हें राशि उनके खाते तक पहुँचाकर उनके जीवन यापन में इस योजना का सही क्रियान्वयन किया जा रहा है। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। पंचायत द्वारा जो आपको काम करवाया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हो या नहीं? संतुष्ट है और काम भी हमको मिल रहा है, काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंगला भाई। कहाँ रहते हो आप? आपको ग्राम पंचायत द्वारा जो काम दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हो या नहीं? हाँ सर, संतोष है उनसे। हमको अच्छा है कि सरपंच और मंत्री के कहने से काम पे लग गए। हमको इस बात का संतोष है कि हमको गरीब लोगों को काम मिल गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। कहाँ रहते हो आप? हम बरूड दुर्गा कॉलोनी रहते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसको देखते हुए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मनरेगा का कार्य प्रारंभ करा गया, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और ऐसे स्ट्रक्चर, वर्षा होने वाली है तो ऐसे स्ट्रक्चर बने जिससे वर्षा का जल हमारे गांव में रुके। इसी तारतम्य में सभी ग्राम पंचायत में कंटूर सेट निर्माण एवं अन्य जल संवर्धन के कार्य प्रारंभ कराए गए। इससे ग्राम में जल तो एकत्रित होगा ही होगा और साथ ही उन गरीब लोगों की स्थिति में सुधार होगा जो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं और जो इस कोरोना महामारी में जो भोजन के लिए तरस गए थे और जिनकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी, उनको बहुत ही सबल मिलेगा इस योजना से और अपनी कमाई का स्रोत बढ़ाएंगे। कार्य आगे भी चलता रहेगा? हाँ, इसे लगातार चालू रखेगा। अभी बारिश के समय में ऐसे कार्य लिए जाएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और बारिश से बाधा उत्पन्न नहीं हो, जैसे बेड़ियों पे कंटूर हुआ, बोल्टर चेकडेम जमाना हुआ, ऐसे कार्य लिए जाएंगे जिससे बारिश में बाधा उत्पन्न न हो, नालों में चेकडेम टाइप बोल्टर जमाना हुआ, बोल्टर डैम हुआ, या ऐसे कार्य लिए जाएंगे। क्या नाम? राजू खान, सचिव ग्राम पंचायत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।